Nay, today we are having our last sessional and I have not prepared anything. Assalamualaikum guys, Zakir Madim, you're watching me on channel and Khan. I'm back again with a brand new vlog. बहुत दिन हो गया vlog बना. फिलहाल अभी सुबह सुबह का वक्त है. मैं भी जा रहा था क्लास करने के लिए. क्लास वैसे हो नहीं रही है सारी क्योंकि सेशनल चल रहे हैं हमारे, तो उसकी वजह से कुछ कुछ टीचर्स जो हैं ले नहीं रहे क्लास, बट एक शायद होगी तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ. ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका हूँ. भागो यार, शॉर्टकट भी है. हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, हमारे अध्यापक जा चुके हैं. But I am your teacher right now. So he is going to teach us for today's sessional. Today we are having our last sessional and I have not prepared anything. He is going to teach me. Our teacher knows better. This is the phrase I use for him. You are searching for the study materials. I already have it. They are right there in his phone. Today his hard work will pay off. When Ann Khan himself will learn from Daniel. Ann Khan is damn handsome. वलीमा हो रहा है, ये आपा का निकाह हो गया. चल पर आज यहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट वालों का इवेंट है. सब पागल है, उर्दू उसने बोला. सॉरी मेरे से गलती हो गई, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट का था. बैठना पड़ेगा. बैठ गया मैं, मिस कॉल करके बताऊँ. लंच कर लिया. लंच में हमने किया है चाय और एक समोसा. अब्बा सब फिर से करेंगे पढ़ाई. जद्दोजहद जारी है दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं. तुम भाग जाओ ना, इतनी मार मारूंगा. सो माल मलीदा तैयार हो गया. नाउ वी आर अबाउट टू स्टडी. बीस मिनट बचे हुए हैं सेशनल के लिए. उससे पहले जोहर का वक्त हो गया तो अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने. डैनियल ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया नमाज पढ़ना. कमबख्तों ने नमाज के बीच में इलाके ये क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया. पूरा धुआं धुआं हो गया. सत्यानाश. 13 मिनट बाकी एग्जाम के लिए. 13 मिनट. जोश कैसा है? खत्म. मेन एग्जाम जो है वो तो आएगा, तो उसके लिए भी जद्दोजहद चलेगी. सुबह नाश्ता भी नहीं किया मैंने, फिर दोपहर में खाना भी नहीं खाया. अभी जाके कुछ पराठे वगैरह खाएंगे कैंटीन से. देखो तेल कितना है इसमें, मुझे इसको कैलून दे भाई ये सब. पहली बार मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ. भाई इस मस्जिद में पहली बार पढ़ रहा हूँ. कोई तो दिखा मुझे. क्या जी? अरे तो भीगे हुए जी. अरे आसिफ भाई, आप पढ़ाई करने थे क्या यहाँ पे? मेरे कल सब्सक्राइबर मिले थे, मेरे घर के आसपास ही रहते थे वो. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हुआ था कि आप रोजाना डेली, अरे कीड़ा आ रहा, सॉरी फॉर द कीड़ा. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हुआ कि आप डेली व्लॉग्स बनाओ. तो मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ते का मैं चैलेंज लेता हूँ. तो इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते तक लगातार आपको व्लॉग्स बना के दूंगा. छोटा बड़ा आई डोंट नो, अल्लाह वाला अल्लाह नोज द बेस्ट. मुझे बताओ ये डेली व्लॉगिंग वाला आइडिया सही है या नहीं. उन एक हफ्ते में अच्छे सब्सक्राइबर्स बूस्ट हुए, मैं फिर और जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूंगा. अब मैंने मतलब डेली व्लॉग का चैलेंज लिया हुआ है, तो मैं डेली आपको नई नई हदीसें भी बताने की कोशिश करूंगा. ये जो हदीस जो आज मैं बताने वाला हूँ, इसको मैंने 2-3 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी शेयर किया हुआ था. और ये हदीस थी उनसे रिलेटेड जो हमेशा जनरल बॉडी ऑफ मुस्लिम उम्मा उस पर हमेशा कमेंट करते रहते हैं या टिप्पणी करते रहते हैं. मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, उम्मत बर्बाद हो रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, फलाना ढिमका. और आई गेस सही मुस्लिम के 7th volume में ये हदीस है. उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो बोलता है कि लोग बर्बाद हो गए हैं, उनकी बर्बादी का रीजन ही वही होता है. ऐसा लगता है कितने एम्पैथी फील कर रहे हैं. ये इसलिए बोलते हैं अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए, अपने आपको अच्छा फील आने के लिए. हम अच्छे हैं, बट द जनरल बॉडी ऑफ द मुस्लिम्स दे आर नॉट डूइंग वेल, दे आर लैकिंग इन समथिंग. आपको बेहतर पता आपकी नियत कैसी है. मैं सोचा शेयर करूं. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं नए व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. 9000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करने हैं. इस मस्जिद में पहली बार पढ़ रहा हूँ. आप पढ़ चुके हैं ना, मैं थोड़ी ना इधर रहता हूँ. ये लड़कियों का हॉस्टल इधर मैं क्यों आऊंगा, मेरा क्या लेना देना इधर. मगर बट सच्ची में पहली बार इधर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ.